तो आइए जो है आपका जो है स्वागत है आपके चैनल स्टडी 24/BK में। तो हम लोग जो है इस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है कर रहे हैं किसका हम लोग, तो डिफिनिट इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यू उसको क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हम लिए हैं जो पेपर में है। तो देखिए सबसे पहले क्या CBSE दिल्ली 2008, ऑल इंडिया 2008 और साउथ में 2016 में 2016 में है। क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू 0 to 1 काट इनवर्स 1 - x + x2 ये क्वेश्चन है और इतनी बार आया है। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं और कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को आसानी से हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो आप भी ऐसे करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है कैसे करना। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिएगा तो हम लोग अभी अभी आपका पीछे आपने देखा होगा, अगर आप लोग नहीं देखे पिछली वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब इस तरीके का होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स और ये पूरी वैल्यू अपान में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हमने यहाँ दे दिया। अगर इसको हम नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ नंबर, यहाँ पे ये पोस्टिंग हो गई हाफ नंबर की, ठीक है ये पोस्टिंग हो गई। अब क्या करना, फिर इसको सेट करना पड़ता है। अब आगे देखिए कैसे सेट करेंगे, टैन इनवर्स ऐसे ही रखना है और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसको लिख दें प्लस एक्स और यहाँ लिख दें प्लस 1 - x, तो देखिएगा ध्यान से अगर हम ये लिख देते हैं यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब तो देखिए यहाँ से x x कट जाएगा बचेगा 1, तो आपका 1 है कोई फर्क नहीं है और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो यहाँ पर dx लगा होगा तो हमने यहाँ dx बाहर लगा दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं इसी हिसाब से, तो यहाँ पे होगा हमारा कितना 1 - x - 1 - x, क्या ये इतना आता है। तो देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा 1 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो आपका x माइनस में है और यहाँ देख रहे x स्क्वायर प्लस में है, तो मतलब ये पूरी तरीके से सेट हो गया। तो i इज इक्वल टू 0 to 1 और ये हमारा हो गया tan इनवर्स। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बल्कि ये नहीं लिखेंगे, ये tan x और प्लस कितना हो गया tan इनवर्स 1 - x का ये फार्मूला हो गया एक तरह से, और इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ लिख के डी एक्स यहाँ लिख देंगे। देखिए क्या करना पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, ये इसको ये अब क्या है tan a + b का फार्मूला हो गया, तो tan a tan b लिख दिए। अब आगे देखिए क्या करना है, इसको अगला जो फार्मूला लगेगा वो डिफिनिट इंटीग्रल का लगेगा। तो tan इनवर्स x को हम लोग ऐसे कर देते हैं और इस पर जब सेट करेंगे, ये डिफिनिट इंटीग्रल का रूल होता है, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ये पहले हमने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, इसको एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 से 1 हो या 0 से a होता है तो यहां a माइनस रखते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 रख के वैसे ही अगली वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, तो देखिए यहां प्लस हो जाएगा और dx हो गया। मतलब हम लोग का फॉर्मूला होता है कि अगर 0 से a हो तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से a यहाँ हो जाएगा a - x, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ रख देंगे तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया और हम लोग कहाँ पहुँच गए, देखिए तो i इज इक्वल टू कहाँ पहुँचे, ये हो गया 0 से 1 tan इनवर्स x और यहाँ पर भी tan इनवर्स आ गया, प्लस कितना होगा 0 to 1 tan इनवर्स कितना हो गया x हो गया और यहाँ पे हमने लिख दिया dx अलग करके। फिर इसको अब ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 tan 2 integration 0 to 1 tan इनवर्स x dx इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 को ले लेते हैं, यहाँ अपने मन से क्या लिख दीजिए 1 ले लीजिए। तो अब क्या होगा, हमारा यहाँ से हो जाएगा ये फर्स्ट और ये 1 को मान लीजिए सेकेंड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2 और यहाँ पे बाहर, तो हम लोग लिखते हैं क्या tan इनवर्स
एक्स वैसे ही, और इंटीग्रेशन एक्स का कितना होगा तो एक्स वन का मतलब वन का डी एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर माइनस ले लेते हैं, इस बार क्या आएगा इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स और टेन का हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टेन का हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, अंदर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टू एक्स टू एक्स और यहाँ हो गया डी एक्स और ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ देखिए, यहाँ से हमको फिर मानना पड़ेगा, क्या मानते देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को जेड मान लेते हैं तो टू एक्स डी एक्स इक्वल कितना टू डी जेड होता है, तो ये हट जाएगा तो आ गया कितना टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसकी जगह हमारा कितना हो गया तो हो गया ये डी जेड अपान यहाँ हो जाएगा जेड और डी जेड यहाँ हो चुका है। अब इसके बाद जो अगली लाइन होगी वो टू एक्स टेन इनवर्स एक्स और इसकी जगह लाग हो जाएगा माइनस लाग और एक्स की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी हो जाएगा। तो आपने देखा आसानी से कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या करना थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस पेशेंस दोनों रखना है। कॉन्फिडेंस इसलिए रखना है क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये मान के चलिए आप सही कर रहे हैं। अब देखिए इसको पोस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर आपको नंबर कॉपी में देता है, तो देखिएगा तो मान के चलिए हाफ यहाँ मिल गया, यहाँ एडजस्ट किया, ये मान चलिए क्वेश्चन फोर मार्क्स का होगा तो हो सकता है यहाँ पर भी हाफ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद जब ये कर दिए यहाँ दे दिए तो यहाँ नहीं देना है या तो फिर यहाँ देना है। ठीक है, तो हाफ ऑफ वन मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद यहाँ फार्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ वन मार्क्स दे देंगे और यहाँ पे या तो फाइनली क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग एक मार्क्स यहाँ देंगे और यहाँ एक देखने के टोटल नंबर कितना होगा, फोर मार्क्स की पोस्टिंग इस तरीके से होगी और टू मार्क्स का होगा तो उसमें से हाफ ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जहाँ फार्मूला लगता है वहां नंबर की पोस्टिंग हो जाती है, तो आप समझ गए इस तरीके से नंबर पोस्ट होता है। मैं आपको जो है अपनी चेक हुई कॉपी को मैं आपको दिखाऊंगा फिजिक्स में किस तरीके से नंबर पोस्ट किया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी जल्दी ही। ठीक है, तो पहले इतना देख लिए फिर आगे देखिए, आया समझ में। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है पेपर में, डरना नहीं है, पेशेंस के साथ अगर आप क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे तो 100% आप सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आप ला सकते हैं, बट आपको निडर होकर क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अभी से ध्यान देंगे तो ऐसा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।